नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को डिस्कस कर रहे थे और इसी क्रम में हमने सबसे पहला छत्रपति मराठा शासक शिवाजी को डिस्कस इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम जितने भी छत्रपति शिवाजी के बाद जितने भी छत्रपति हुए उसको डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में हम जानते हैं कि शिवाजी भोसले जो पहला छत्रपति थे उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उनके जो दो पुत्र थे संभाजी और राजा राम, जो कि दोनों सौतेले भाई थे, बड़े संभाजी थे और छोटे राजा राम थे, तो दोनों आपस में सत्ता पाने के लिए संघर्ष करने लगे। राजा राम ने खुद को अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया, लेकिन संभाजी का दबाव और प्रभाव ज्यादा था और वो अपने प्रभाव से राजा राम को दबा करके और संभाजी छत्रपति बन गए। तो चलिए बारी बारी से सभी छत्रपति शासक के इतिहास को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं छत्रपति संभाजी से। संभाजी जिनका कार्यकाल 1682-1689 रहा है। संभाजी अपने पिता की तरह उतने प्रभावशाली तो नहीं रहे, लेकिन वो भी पिता के तरह अपने साम्राज्य विस्तार को जारी रखा। यही हमने यहाँ पे लिखा कि पिता की तरह वो प्रभावी तो नहीं, लेकिन वो अपना क्षेत्र विस्तार को जारी रखा और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते रहा। ठीक है, वो जब शासक बने तो अपने जो मुख्य अधिकारी जो नियुक्त किया वो कवि कलश नाम के एक व्यक्ति को अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि जो राजा राम जी थे वो उसके भाई थे और वो उनका हमेशा विरोध किया करते थे। तो इसीलिए उसके सबसे जो करीबी एक व्यक्ति था जिसका नाम था कवि कलश, उनको अपना सबसे प्रमुख अधिकारी उसने नियुक्त किया और फिर शासन करना शुरू कर दिया 1689 में। और वो अपना शासन करते रहा, लेकिन 1689 में औरंगजेब का एक पुत्र था, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जिस समय मराठा का उत्कर्ष हो रहा था उस समय मुगल का शासक कौन था? औरंगजेब था, जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था। तो वो अपना साम्राज्य को विस्तार करना दक्षिण भारत में चाह रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय, जो कि औरंगजेब का विरोध करके या औरंगजेब का विद्रोह करके भाग खड़े हुए और आकर के मराठा साम्राज्य में अपना संरक्षण प्राप्त किया। और मराठा का संरक्षण जैसे ही उसको मिला तो औरंगजेब उससे बहुत नाराज हो गए और क्या किया तो मराठा पे आक्रमण करने का सोचने लगे। तो यही हमने लिखा कि 1689 में औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को मराठा संरक्षण दिया जाता है और मराठा संरक्षण दिए जाने पे इस पे मुगल सेना ने मराठा पे आक्रमण मुगल सेना का मराठा पे आक्रमण होता है। मुगल सेना मराठा पे आक्रमण कर दिए और इसमें मुगल सेना मराठा पे भारी पड़े। और इसमें क्या हुआ कि संभाजी के साथ उसकी पत्नी और उसके पुत्र जो साहू जी थे, जो आने वाले छत्रपति होंगे, साहू जी को और उसके साथ उसके जो प्रमुख अधिकारी थे कवि कलश, उसको गिरफ्तार करके मुगल दिल्ली लेके चले आते हैं। तो संभाजी, उसकी पत्नी और पुत्र साहू जी तथा कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको दिल्ली ले आया गया। और जब दिल्ली ले आया गया तो कवि कलश और संभाजी पे ये मुगल दबाव डालने लगे कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, क्योंकि औरंगजेब शरिया आधारित कानून चलाता था और वो चाहता था कि जितने शासकों को जितने लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ा जाए उतना बेहतर है। तो इससे उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए जो संभाजी थे और कवि कलश थे दोनों पे दबाव डाला, लेकिन संभाजी और कवि कलश ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इसी कारण दोनों को, संभाजी और कवि कलश को, औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है और संभाजी का कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है। और जो उसकी पत्नी थी, संभाजी की पत्नी और उसके पुत्र साहू जी को वहीं मुगल दरबार में रखा जाता है, गिरफ्तार करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब उसको मार दिया जाता है और जब ये आक्रमण होता है तो उसी समय जो राजा राम रहते हैं, जो उसका भाई रहता है, तो मुगल जो आक्रमण के दौरान वो भाग करके सतारा चला जाता है, क्योंकि मराठा का जो पहली राजधानी थी वो रायगढ़ रहती है। तो रायगढ़ आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये अगर दक्षिण भारत है तो यहाँ पे अगर रायगढ़ है तो वहां से भाग करके, रायगढ़ से भाग करके राजा राम क्या कहाँ चले जाते हैं? सतारा चले जाते हैं और दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और वहां पे अपने आप को राजा स्थापित, शासक स्थापित करके और सतारा में ही अपनी राजधानी को स्थापित करके और शासन करने लग जाते हैं और फिर वो अपना मुगल के डर से साम्राज्य का विस्तार नहीं करते हैं। तो जब संभाजी का मृत्यु दंड दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद राजा राम मराठा का छत्रपति बनते हैं। तो चलिए देखते हैं राजा राम का इतिहास।
राजा राम जी 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किए और मुगलों के आक्रमण के बाद राजा राम भाग करके सतारा चला जाता है, यही मैंने यहाँ पे बताया, और वहीं अपना राजधानी स्थापित करके शासन करने लगता है। तो पहली राजधानी कहाँ पे थी, रायगढ़ में थी, जो कि शिवाजी के द्वारा स्थापित किया गया था, और उसके बाद जो है अपनी राजधानी मराठाओं की राजधानी रायगढ़ से शिफ्ट हो जाती है सतारा, जो कि राजा राम के द्वारा स्थापित की जाती है, और वहीं पे वो अपना शांतिपूर्वक शासन करने लग जाते हैं और अपना कभी मराठा का सम्राट वहां पे विस्तार नहीं करते हैं, और 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि उसकी पत्नी जो रहती है ताराबाई जो है वो शासिका बन जाती है मराठों का। कैसे बन जाती है, तो उसका एक छोटा सा पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, तो 4 साल का उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में वो मराठों का शासक बनती है और वो शासन करने लग जाता है। उसी और उस समय क्या था कि साहू जी जो था वो मुगलों के कैप्चर में होता है दोस्तों। तो पहले ताराबाई का इतिहास देखते हैं, उसके बाद हम लोग साहू जी के इतिहास को देखेंगे। तो राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई शासक बनती है, और शासक वो इस शर्त बनती है कि उसका पुत्र 4 साल का रहता है शिवाजी द्वितीय, तो शिवाजी द्वितीय के नाम पे वो शासन करती है। वास्तव में संस्थापक शिवाजी द्वितीय को बनाया जाता है और उसके संरक्षिका के रूप में ताराबाई शासन करती है। तो यही हमने लिखा कि ताराबाई जो 1700 से लेकर के 1708 ईस्वी तक शासन करती है, शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में मराठा का शासक बनती है, और इस समय अंतराल में जो 1700 से लेकर 1708 ईस्वी का बीच जो एक मराठा शासकों के बीच में गैप सा बन गया था, उस समय अंतराल में मुगलों के विरुद्ध खड़े होने का श्रेय ताराबाई को जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो जो साहू जी उसके गिरफ्त में थे वो रिहा हो जाते हैं, और रिहा होने के बाद ताराबाई से आकर के खेरा नाम के जगह पे युद्ध करते हैं। तो यही हमने लिखा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साहू जी रिहा हो जाते हैं तथा खेरा नामक जगह पर ताराबाई से युद्ध करके सत्ता प्राप्त कर लेता है। ताराबाई को पराजित करके साहू जी फिर से अपना सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो ताराबाई की यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, और सतारा में जो शासन चल रहा होता है उसका संस्थापक अब क्या कौन बन जाते हैं, साहू जी बन जाते हैं। तो साहू जी ताराबाई को पराजित करके सतारा में मराठा साम्राज्य के अब छत्रपति बन जाते हैं, और जो शिवाजी द्वितीय है वो भाग करके कोल्हापुर चले जाते हैं, और उसी कोल्हापुर में अपनी शासन को स्थापित करके शासन शुरू करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही लिखा है कि शिवाजी द्वितीय भागकर कोल्हापुर चले जाते हैं, और वहीं से भाग करके वहीं पर वो अपना शासन करने लग जाते हैं, क्योंकि जो शुरू में जो राजधानी थी तो रायगढ़ थी, रायगढ़ से भाग करके राजा राम सतारा चले गए, और सतारा से भी भाग करके और दक्षिण में कोल्हापुर है, वहां कोल्हापुर जाकर के शिवाजी द्वितीय अपना चुपचाप शासन करना चालू कर देते हैं दोस्तों। और उसी समय साहू जी जो है 1708 से लेकर के 1749 तक, जो कि बहुत ही लंबे अंतराल होते हैं दोस्तों, 41 वर्षों के अंतराल के लिए वो मराठा के शासक बनते हैं, और इसके शासन के दौरान मराठा साम्राज्य का बहुत महान विस्तार होता है। तो आइए देखते हैं साहू जी के शासन, जो साहू जी 1708 से 1749 ईस्वी के लिए शासक बनते हैं, इनके शासन काल में मराठा साम्राज्य का एक महान विस्तार हुआ, जो पूरे साउथ में तो हुआ ही, साउथ के साथ साथ वो थोड़ा सा इस साइड में भी, पूर्व की साइड में भी बढ़ते हुए अपना साम्राज्य को उत्तर के क्षेत्र में विस्तार करना मराठों ने चालू किया, जिनका सबसे बड़ा श्रेय पेशवा बालाजी विश्वनाथ को जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मराठा साम्राज्य का विस्तार जो है वो साहू जी के समय में सबसे ज्यादा हुआ, और उसका जो श्रेय जाता है वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को जाता है। और उस समय से क्या हुआ दोस्तों कि छत्रपति के जो शक्ति थी उसमें ह्रास होने लगी और पेशवा की शक्ति में वृद्धि होने लगी। तो यही हमने लिखा कि इनके शासनकाल में छत्रपति की शक्ति में ह्रास तथा पेशवा की शक्ति में वृद्धि होने लगी, तथा पेशवा का पद वंशानुगत होने लगा या हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र है बाजीराव प्रथम वो बनते हैं, उसके बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, और इसी क्रम में पेशवा बनते जाते हैं। तो इसके क्रम में क्या हुआ कि पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मराठा का साम्राज्य का महान विस्तार होता है। फिर क्या है कि साहू जी की मृत्यु 1749 ईस्वी में हो जाने के पश्चात 14 जनवरी 1750 को पेशवा बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम का पुत्र था, पेशवा बालाजी बाजीराव
और कोल्हापुर के मराठा शासक राजा राम द्वितीय। अब चूंकि पेशवा के पद में काफी वृद्धि हो गई थी, उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी, वही छत्रपति की जो शक्ति थी उसमें काफी ह्रास हो गई थी। तो जब तक साहू जी थे तब तक वो छत्रपति बने रहे और उसके शक्ति उसके हाथ में रही। लेकिन उसके मृत्यु के बाद जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जो बालाजी विश्वनाथ के पौत्र थे, उनके बीच और कोल्हापुर में चूंकि शासन चल रहा था, एक और उसके शासन में कोल्हापुर में शासन चल रहा था जो कि शिवाजी द्वितीय द्वारा शासन चलाया जा रहा था, उनके वंश में जो शासक थे वो थे राजा राम द्वितीय। उनके बीच में 14 जनवरी 1750 को एक संधि हुई जिसको हम लोग संगोला की संधि के रूप में जानते हैं। दोस्तों कौन सी संधि? संगोला की संधि के रूप में जानते हैं। तो यही हमने लिखा कि कोल्हापुर के मराठा शासक राजा राम द्वितीय के बीच संगोला की संधि होती है जिसमें छत्रपति के पद को संवैधानिक कर दिया जाता है, मतलब छत्रपति के पद को एक नाम मात्र के लिए पद बनाया जाता है तथा वास्तविक शासक के रूप में पेशवा को मान लिया जाता है। अब वास्तविक शासक पेशवा को बना दिया जाता है और जो छत्रपति का पद है वो केवल नाम मात्र का रह जाता है, संवैधानिक रह जाता है, उसके हाथों में शक्ति ज्यादा रहती नहीं है। और जो छत्रपति है उसको रहने के लिए सतारा में व्यवस्था कर दिया जाता है, उसके निवास स्थान के लिए सतारा में व्यवस्था कर दिया जाता है। और मराठा की जो संपूर्ण शक्ति है वो पुणे में, जो कि पुणे यहाँ पे पुणे में मराठा के जो पेशवा रहते हैं अपनी शक्ति का स्थापना और संगठन इस पुणे क्षेत्र में करने लग जाते हैं और मराठा शक्ति का केंद्र उसके बाद से पुणे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहे कुछ मराठा के प्रमुख छत्रपति के विषय में और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें मराठा का प्रबंधन रहेगा जिसमें मराठा का शासन प्रबंधन अष्टप्रधान थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वहीं से देखेंगे कि जो अष्टप्रधान शासन था प्रशासन था उसमें 8 मंत्री कौन कौन से थे और उनका क्या क्या काम था। उसके बाद देखेंगे जो पेशवा का पद है वो कैसे वंशानुगत हुआ और उसके वंश में कौन कौन से प्रमुख पेशवा हुए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको आज कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखिए। तो कालानुक्रम में रखिए मतलब होता है कि जो शिवाजी जो छत्रपति पहले बने उसको पहले रखिए, जो बाद में बने हैं उसको बाद में रखिए। तो छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी द्वितीय, ये चारों शासक में जो पहले हैं वो पहले आएंगे, जो बाद में है वो बाद में आएंगे। तो आपका ऑप्शन है ए में 3214, बी है 3241, सी है 2314 और डी है 1234। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो पूरा काल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को जवाब आप बड़े आसानी से हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।